नमस्कार दोस्तों, रेडियो मनमीत पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कला परिक्रमा कार्यक्रम में आज हम आपको लेके चल रहे हैं देवास से दिल्ली आए जयप्रकाश चौहान की कला प्रदर्शनी में। जयप्रकाश मूलतः अमूर्त चित्रकार हैं और अपने चित्रों में वे माध्यमों को लेकर के लगातार नए नए प्रयोग करते रहते हैं और इन्हीं प्रयोगों की वजह से उनकी कला अर्थों के नए विस्तार तक पहुँचती है। अनुभूति का दायरा इतना व्यापक होता है कि कोई भी कला, चाहे वो ललित कला हो या साहित्य, उसे कभी भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती है। साहित्य में रचनाकार के पास भाषा की असीमता होती है, इसलिए काफ़ी हद तक वह अपनी बात को स्पष्ट कर पाता है। पर चित्र या शिल्प में एक सीमा होती है, विशेष रूप से अमूर्त चित्र व शिल्प में। जब कोई चित्रकार आकारों को अधिकाधिक स्पष्ट करते हुए उसे एक कथा की तरह संयोजित करता है तो उसमें एक स्पष्टता होती है। जो कुछ कलाकार कहने की इच्छा से उसे रचता है वह दर्शकों तक पहुंच जाता है, पर अमूर्त चित्रों में ऐसा नहीं होता। अमूर्त चित्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक जिनमें स्पष्ट ज्यामिति आकारों का संयोजन होता है। ऐसे चित्रों के सौंदर्य बोध तक सीमित रह जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक संरचनात्मक स्पष्टता के चलते इसे चित्र अमूर्त कहे जाते हैं, पर वे अमूर्त होते नहीं हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें आकार की बाध्यता होती है, एक आकार की उपस्थिति होती है जो उन चित्रों को एक निश्चित अर्थ तक ले जाती है। इसके विपरीत जब एक कलाकार ज्यामितीय या दूसरे स्पष्ट आकारों से मुक्त होकर भावों को निर्बंध शैली में रचता है तो बोधगम्यता के खतरे उठाते हुए वह ऐसा चित्र रचता है जो दर्शक को बांधने की जगह मुक्त करता है। जी हाँ, दर्शकों को मुक्त करना मतलब कि वह देख जो कुछ देख रहा है उस देखने में, उस दृश्य से मुक्त होकर के वो अपने भाव जगत, अपने विचार जगत में अग्रसर हो सके। यह मुक्तावस्था अनुभूति की अभिव्यक्ति की असीमता को स्थापित करती है। देवास जैसे छोटे शहर में रहने वाले जयप्रकाश चौहान की कला ऐसी ही है। उनकी प्रदर्शनी इन दिनों दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनएक्सी की गैलरी में चल रही है। अनवरत शीर्षक से यह प्रदर्शनी हमारे सामने कला की असीमता को उजागर करती है। कथ से अधिक अकथ की संभावनाओं को समेटे अमूर्त चित्रों में जयप्रकाश ने कई प्रयोग किए हैं। वह पहले भी कागज और कैनवास पर विभिन्न माध्यमों को मिलाकर के काम करते रहे हैं। कई बार वह अपारंपरिक कला सामग्री का भी उपयोग करते हैं, ऐसी सामग्री का भी उपयोग करते हैं जिसके बारे में आमतौर पर हम सोचते नहीं हैं। पेपर को काट करके चिपकाना, कोलाज बनाना, विभिन्न माध्यमों को मिला करके, रंगों को मिला करके मिश्रित माध्यम से काम करना उनकी एक अपनी पहचान रही है। वह जीवन के सातत्य और सार तत्व को व्यक्त करने का उनका तरीका है। यह प्रदर्शनी उनकी अमूर्तन की अनवरत यात्रा का ही एक सोपान है। वह अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनके चित्र अभिव्यक्ति की असीमता को स्थापित करते हैं। प्रत्येक चित्र देखने वाले को यदि वास्तव में वह देख रहा है तो भावों और विचारों के असीम संसार में ले जाता है। तो ये थी जयप्रकाश की कला यात्रा पर हमारी एक छोटी सी टिप्पणी। आशा है ये आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, उसका कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे उसका बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी कला के बारे में जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।